बाद 16-25 जुलाई बरसात के कारण NHAI के द्वारा निर्मित सर्विस रोड, नाला निर्माण, अंडरपास निर्माण इत्यादि पर तकनीकी खामियों के कारण हर जगह पानी भरा हुआ है एवं पानी की निकासी नहीं होने के कारण रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाला निर्माण अधूरा होने के कारण भसोड़ा हनुमान जी से बाईपास कुथना रोड पर पानी भरने के कारण रास्ता अवरुद्ध हो गया। भसोड़ा चौराहे पर नाला निर्माण नहीं करने के कारण बरसात का पानी तिरुपति नगर में भर गया, जिसके कारण नगर की बस्ती एवं आसपास के क्षेत्र में जलभराव बढ़ गया तथा चौराहे पर सावरियाजी एवं कबासन व शनि महाराज जाने वाले रास्ते अवरुद्ध हो गए। बांगुट के पास दौलतपुरा की ओर जाने वाले रास्ते पर पानी भर जाने के कारण रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ व पास ही के किसानों के खेतों में भी पानी भर जाने के कारण फसल बर्बाद हो गई। तिरुपति नगर के सामने छोटा ब्रिज बनाया गया, जहां से भी पानी का बहाव तिरुपति नगर की ओर जाने से परेशानियां बढ़ गई। वहीं भूती के समीप 6 लेन पर अंडर ब्रिज बनाने के कारण पानी इतना भर गया कि पूरा ट्रक ही उसमें डूब गया। इस प्रकार NHAI के द्वारा निर्माण में तकनीकी खामियों की भरमार है और इन खामियों के कारण जगह जगह पानी का भराव बढ़ गया तथा पानी की निकासी की सुचारू व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण हर जगह ग्रामीणों व आमजन व राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बासोड़ा, बांगसेन व नपानिया, बांगोड़ हाजिया, खेड़ी, होड़ा चौराहा, खोखरिया खेड़ी व भैरू खेड़ा आदि क्षेत्र के ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि NHAI के द्वारा किए गए निर्माण में हुई तकनीकी खामियों को सही करवा सके व आम जनता को राहत प्रदान कराने की कार्यवाही कराने के लिए निर्माण कंपनी को पाबंद किया जाए। भसोड़ा चौराहे पर बोहरा कब्रिस्तान के पास पूर्व में पानी की निकासी के लिए नाला हुआ करता था, जिससे क्षेत्र का पानी एवं भसोड़ा तालाब को और फ्लोर का पानी परंपरागत रूप से निकलता था, जिसे 6 लेन निर्माण के दौरान तोड़ दिया गया तथा पुनर्निर्माण नहीं करने के कारण बस्ती में पानी भरने लग गया, जिससे बस्ती वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य में अगर भसोड़ा के तालाब का पानी ओवरफ्लो होता है तो तिरुपति नगर एवं भसोड़ा चौराहे डूबने का खतरा है। अगर प्रशासन अतिशीघ्र बरसात के मौसम को मद्देनजर रखते हुए इसका निर्माण शीघ्र नहीं किया तो तालाब के पानी का क्यों होने पर भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिससे ग्रामीण एवं प्रशासन को परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। भसोड़ा से नरेंद्र सेठिया की रिपोर्ट।